हाय गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो वर्कआउट फॉर मास सीरीज में लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्स वर्कआउट फॉर मास, या हमें एब्स की कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए व्हाइल बल्किंग। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिसपे लिखा हुआ सब्सक्राइब, आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए एक ईमेल आईडी बनाई है, freecoachingsaurabh@gmail.com। अगर आपको कोई सी फिटनेस क्वेरीज हो, आपको मेरे से मील प्लान, डाइट प्लान या कुछ भी बनवाना हो, आप मुझे इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हो और वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और गाइस, क्योंकि आज की वीडियो वर्कआउट फॉर मास वीडियो में लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं आपके लिए सप्लीमेंट्स बताऊंगा कि आपको वर्किंग में कौन कौन से सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने हैं, साथ के साथ मील्स बताऊंगा। और गाइस, मैं चाहता हूँ कि जब यह सीरीज खत्म हो जाए तो आप मुझे कोई सजेशन दो कि आप कौन कौन सी वीडियोज देखना चाहते हो। अगर आपकी कोई प्रायोरिटीज है, आप जानना चाहते हो उस चीज के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर में मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, एब्स मसल को ट्रेन करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमको बाइसेप, ट्राइसेप या शोल्डर या बैक वर्कआउट करना है। हम कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो बारबेल प्रेस हो, चाहे डंबल कर्ल्स हो, चाहे ओवरहेड प्रेस हो, जो सबसे पहले वेट को स्टेबलाइज करते हैं या सबसे पहले जो वेट को झेलते हैं वो हमारे एब्स मसल्स होते हैं। अगर आपके एब्स मसल स्ट्रांग नहीं होंगे तो वेट को इतनी अच्छी तरह लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर आपके एब्स मसल स्ट्रांग होंगे तो आप आसानी से वेट लिफ्ट कर पाओगे। दूसरा रीजन, अगर आपके एब्स मसल स्ट्रांग होंगे तो आपकी लोअर बैक भी स्ट्रांग हो पाएगी। काफी एक्सरसाइज में लोअर बैक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, लाइक डेडलिफ्ट, लाइक स्क्वाट्स। अगर आपकी लोअर बैक वीक है तो इन एक्सरसाइज में भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप एब्स की एक्सरसाइज करोगे और अपने कोर को अच्छी तरह ट्रेन करोगे तो आपकी लोअर बैक भी स्ट्रेंथन हो पाएगी। गाइस, बल्किंग सीरीज के अंदर हम 2 to 3 days ही वर्कआउट करेंगे एब्स को। आप चाहो तो इसको अल्टरनेट डेज कर सकते हो या फिर इसको रेस्ट डे पे ले सकते हो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कार्डियो वर्कआउट में बताया था कि जब भी मैं कार्डियो वर्कआउट करता हूँ मैं उसे सर्किट में करता हूँ, तो वैसे ही जब भी मैं एब्स वर्कआउट करूंगा तो मैं उसे सर्किट में करूंगा। लाइक जैसे कि मैंने आपको वर्कआउट में बताया है कि आपको 5 exercise करनी है, तो उन एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यूस करूंगा फॉर 1 round और बिना कोई रेस्ट दिए हुए बीच में। उसके बाद मैं 10 to 20 seconds का रेस्ट लूंगा और फिर round 2 स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे करके मैं 4 round लगाऊंगा। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, एब वर्कआउट स्टार्ट हम टोस टू पावर क्रंचेस करके करेंगे। इस एक्सरसाइज की कम से कम मैं 15 रैप्स निकालूंगा और 4 sets करूंगा। गाइस, जैसा कि मैंने आपको कार्डियो वर्कआउट में बताया था कि जब मैं कार्डियो ट्रेनिंग करता हूं तो मैं सर्किट में करता हूं, वैसे ही गाइस जब मैं एब्स ट्रेनिंग करता हूं तो वो भी मैं सर्किट में करता हूं। मैं कोई रेस्ट नहीं देता चार या पांच एक्सरसाइज के बीच में। तो मैं जितनी भी एक्सरसाइज करूंगा 4 से 5 वो मैं बिल्कुल कंटिन्यूअसली करूंगा और उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं दूंगा। गाइस, टोस टू बार क्रंचेस बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे अपर और लोअर एब्स की, और ये मैं हमेशा अपने रूटीन में इंक्लूड करता हूं जब भी मैं एब वर्कआउट करता हूं। और गाइस, आपके कोई से भी सजेशंस हो मुझे कि मैं कौन कौन सी वीडियोस बनाऊं इस सीरीज के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। गाइस, इसके बाद मैं मशीन क्रंचेस कर रहा हूं और इस एक्सरसाइज की कम से कम मैं 12 टू 15 रैप्स निकालूंगा, और क्योंकि मैंने इसमें वेट लगा रखा है तो ये मेरे एब्स को ज्यादा ट्रेंड करेंगी। तो इसके अगले दिन मैं एब वर्कआउट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उस पर ज्यादा ही वेट पुश कर लिया होगा। गाइस, थर्ड एक्सरसाइज में हैंगिंग लेग रेज होल्ड कर रहा हूँ और ये कम से कम मैं 15 to 30 seconds के लिए करता हूँ। अगर आप में से कुछ लोग हो जो इससे ज्यादा कर सके तो ज्यादा कर सकते हो, और कुछ लोग अगर हो जिनसे बिल्कुल ना हो पाए तो बस वो जितना उनसे होता है उतना ही होल्ड करो। सबसे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव धीरे धीरे कर करके होल्ड होता है, एकदम से कोई 30 seconds या 1 minute तक होल्ड नहीं कर पाता है। गाइस, इसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज प्लैंक कर रहा हूँ मैं अक्सर प्लैंक 30 seconds से लेकर 1 minute तक करता हूँ, और कभी कभी मैं 2 minutes तक भी कर जाता हूँ अगर मेरा मन करता है तो। बट यहाँ पे आज मैं 30 seconds से लेकर 1 minute तक करूंगा और इसके 4 sets लगाऊंगा। गाइस, जब ये मास सीरीज खत्म हो जाएगी, मास वर्कआउट सीरीज खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो ताकि मैं उन वीडियोस के ऊपर ज्यादा वीडियोस बनाऊं। इसके बाद मैं सप्लीमेंट्स के ऊपर बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए जब आप मास के लिए वर्कआउट करोगे, और कौन कौन से मील्स आपको अपने वर्कआउट्स में इंक्लूड करना चाहिए। गाइस, फिफ्थ एक्सरसाइज में माउंटेन क्लाइंबर्स कर रहा हूँ। माउंटेन क्लाइंबर्स अगेन वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी, ये भी मैं काफी हद तक अपने रूटीन में हमेशा इंक्लूड करता हूँ और ये मैं हमेशा 30 seconds के लिए करता हूँ। इसके बाद गाइस, ये ऑप्शनल वर्कआउट है, मैं ज्यादातर करता नहीं हूँ, बट मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज डाली है जो बिगनर्स हो। ये मैं लेग रेज होल्ड कर रहा हूँ और ये आपसे जितना हो सकता है आपको उतना करना है। अगर आपसे हैंगिंग लेग रेज ना होल्ड हो पाए तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। गाइस, ये पहला राउंड खत्म हो गया है, ऐसे हमको 4 round लगाने हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड
बेस्ट ऑफ लक।